हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। मैं मनीषा कुबल इस चैनल पर हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे कुकिंग और एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज हम स्वीट कोकोनट राइस बनाएंगे। ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश है, उसे मराठी में नारळी भात कहते हैं। ये स्पेशली रक्षाबंधन के दिन बनाई जाती है। चलो तो शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन स्पेशल नारळी भात। ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। उसके लिए हमें बासमती चावल लगेगा। मैंने यहाँ पे ग्लास से नाप लिया है। एक ग्लास बासमती राइस लिया है, दो ग्लास मैंने गीला कोकोनट लिया है क्रश करके, उसका एक ग्लास का मैं मिल्क निकालूँगी। गुड़ लिया है पौना ग्लास और आधा ग्लास से थोड़ा कम मैंने शक्कर लिया है। थोड़े काजू है, किशमिश, ये अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो। थोड़ा पिस्ता है और ये गरम मसालों में मैंने दालचीनी ली है दो टुकड़ा और 6 इलायची, मैं ऐसे ही अक्खी डालने वाली हूँ, और 7-8 लौंग लिया है। क्वार्टर चम्मच नमक लिया है, 3 चम्मच घी लिया है। चावल को मैंने धोकर चलनी में इस तरह रखा है ताकि उसका सब पानी निकल जाए। मैंने 2 ग्लास कोकोनट लिए थे, उसमें से 1 ग्लास का मैं अभी मिल्क निकालूंगी। देखिए मिल्क कैसे निकालते हैं। मिक्सी के जार में मैंने 1 ग्लास कोकोनट लिया है, एक बार मिक्सी में इसे पीस लूंगी। उसमें 1 ग्लास पानी ऐड करके पीस लूंगी। देखिए पीस लिया है मैंने, अभी उसको अच्छे से छान लेना है। चम्मच से दबा दबा के इसे मैंने छान लिया है। चम्मच से अच्छा हाथ से काम जल्दी होता है, अच्छे से निचोड़ लेना है इसे। कोकोनट को अच्छे से निचोड़ लेने के बाद वापस मैं कोकोनट को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और 1 ग्लास पानी ऐड करके वापस से इसे पीस लूँगी। मैंने सेकेंड टाइम पीस लिया है, अभी इसे छलनी में डाल के बचा कुचा जो मिल्क है इसमें वो निकाल लेना है। इस तरह हमने 1 ग्लास नारियल का यहाँ पे दूध निकाला है। देखिए इस तरह दिखता है ये मिल्क। 1 ग्लास चावल को यहाँ पे मैंने 2 ग्लास कोकोनट मिल्क लिया है और ऊपर से 1/4 ग्लास में और उसमें पानी ऐड करूँगी। ये हुआ 1 ग्लास। दूसरा ग्लास भी अपना ऑलमोस्ट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा हल्का कम है, उसमें मैं पानी ऐड करके पूरा 2 ग्लास कंप्लीट करूँगी। हमें कोकोनट मिल्क को बराबर नाप के लेना है, 1 ग्लास को 2.25 ग्लास यानी 2 ग्लास और ऊपर से और 1/4 कोकोनट मिल्क लेना है। अगर आप कोकोनट मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें राइस को बघार देना है। उसके लिए हम जो घी रखा था मैंने, 3 चम्मच घी है ये, पैन में लिया है मैंने। ये गरम हो चुका है, इसमें अभी मैं जो गरम मसाला रखा था दालचीनी लौंग और इलायची ऐड करी है। तुरंत बाद मैंने इसमें काजू ऐड किया है और काजू के बाद अब मैं इसमें किशमिश ऐड करूंगी। इसको हल्का सा फ्राई करना है और जो हमने चावल रखे थे धोकर उसे इस पर डाल देना है और थोड़ी देर तक इसे फ्राई करना है। लगभग 1 से 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है। इसे फ्राई करते टाइम गैस कम्प्लीटली स्लो रखना है।
हाई गैस पे बिल्कुल नहीं करना है। कंटिन्यूसली करछी हिलाते रहना है क्योंकि चावल अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे पिस्ता डाला है, ड्राई फ्रूट डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ता है। अभी मैंने जो एक ग्लास कोकोनट रखा था वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब थोड़ी देर इसे फ्राई करूँगी और फिर उसमें हमने जो मिल्क बना के रखा था वो ऐड करना है। आप ये राइस नॉर्मल चावल में भी बना सकते हैं, बासमती ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन दिखने में ये अच्छा दिखता है। देखिए कंटिन्यूसली मैंने ये फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर को हिलाकर तुरंत बाद मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को इसमें मिलाऊंगी। थोड़े टाइम तक इसे हमें हिलाना पड़ेगा गुड़ थोड़ा मेल्ट होने तक हम इसे हिलाते रहेंगे। अभी इसमें क्वार्टर चम्मच नमक थोड़ा ही डालना है स्वाद के लिए और गुड़ को अच्छी तरह और नमक को मिला लेना है। अभी हमने जो कोकोनट मिल्क निकाल के रखा था 2.25 ग्लास उसमें ऐड करूँगी। अपना गुड़ इसमें कम्प्लीटली मेल्ट होना ज़रूरी है। मैंने इसे मीडियम गैस पे 7 मिनट्स रखा था, उसके बाद उसे उबाल आया है। उबाल आने के बाद अभी मैं उस पर लीड लगा के उसे स्लो करके पकने दूंगी। उबाल आने के बाद मैंने इसे 5 to 7 मिनट्स लो गैस पे रखा था। देखिए यह अभी होने जैसे दिख रहा है, थोड़ा पानी है अभी इसमें। इस स्टेज में मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूंगी, वो है केसर। दूध में मिला के रखा था मैंने, अब मैं ऊपर से इसे ऐसे ही डालकर वापस से ढक्कन लगा दूंगी और 3 मिनट तक इसे स्टीम होने दूंगी स्लो गैस पे। 3 मिनट हो गए हैं, मैंने खोलकर इसे देखा है। देखिए अच्छा सा छोटा छोटा दिख रहा है राइस, दबा के भी देखा है हो चुका है। दबाने के बाद अगर वो नरम लग रहा है तो हो गया है वो। वापस मैं इसे देख रही हूँ, दबाकर नरम हो गया है क्या? ऑलमोस्ट हो गया है, चावल भी छुट्टा छुट्टा लग रहा है। अब मैं इसे हिलाकर ढककर रखूँगी और गैस बंद कर दूँगी। नारियल भात स्वीट कोकोनट राइस रेडी है। देखिए मस्त लग रहा है। मैं इसे केले के पत्ते पे सर्व करूँगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकॉन की घंटी भी ज़रूर दबाना। बाय फ्रेंड्स।